वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, ठीक है। और आज यार प्लान तो बनाया हमने कि मतलब दशहरा, मैंने आज तक रावण दहन नहीं देखा है, तो मैं देख के आऊँगी, क्योंकि सुबह बताया कि रावण दहन, पता नहीं लोकेशन बताई यहाँ पे कि वहाँ पे होएगा। तो अभी मैंने रविंद्र को कॉल तो किया था, बबलू किसी काम से गए हुए हैं यार, तो बबलू ने कॉल किया था कि तू जाएगा तो इसको भी साथ लेके जाना, क्योंकि ये बोल रहे इसने देखा नहीं है। तो भाई अगर जाना हुआ तो आप भी चलना साथ में, ठीक है, व्लॉग में। ऐसे साथ में बाइक है, गाड़ी नहीं है, साथ में चलो। सॉरी यार, अभी मैंने रील बनाई ना और मेरा फ़ोन इतनी बुरी तरह से हैंग मार रहा है, मेरी रील ढंग से नहीं होनी, पर मैंने कर दिया यार अपलोड। क्या करूँ, फिर थी नहीं कोई रील, तो मेरा माइंड खराब हो गया पहले से ही। किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा फ़ोन को, ठीक है। तो कल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे फ़ोन को और चेकअप करवाएंगे इसका। क्या माजरा क्या है यार, पता तो चले। मुझे एक बात और बतानी थी आपसे कि परसों मुझे दो भैया मिले थे, उन्होंने मतलब मैं जब घूम रही थी बाहर तो वो मिले मेरे को, कि बोले कि आप बबली झूरिया, मैं क्या, हाँ। उन्होंने बताया कि मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी, इतनी सारी खुशी हुई, ठीक है। फिर फोटो ली उन्होंने साथ में और उन्होंने बोला मेंशन करूँगा, पर यार दो दिन से मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हुआ, वो मेंशन वाला दिखा नहीं रहा था। आज सुबह से फिर भी दिखा रहा है मेंशन वाला, तो मैंने ढूंढने की कोशिश भी की पर मुझे नहीं मिला, या तो उन्होंने मेंशन किया नहीं है या मुझे शो नहीं हुआ, तो मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि मैंने आज वाला ब्लॉग देखा था, तो मैं अगर बता दूँ अगर ये भी ब्लॉग देख रहे हो और अगर मेंशन किया हो और ये सोचो कि उसने रिमेंशन किया नहीं है तो ये गलत है, ये मत सोचना, और हो सके तो आईडी का नाम बता देना भाई मुझे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लियो कि भाई छोरी मेंशन ना करो मैं ना पाछो, ये गलत बात है भाई ना। मैं बहुत खुश हुआ कि थे हमारा ब्लॉग देखो, ठीक है। और अभी देखते हैं, फ़ोन अभी चार्ज पे लगा देती हूँ, क्योंकि अगर शाम अगर मतलब प्लान बना ही कन्फर्म ऐसा हुआ कि रविंदर और जाएंगे वो रावण दहन देखने, तो मैं जाऊँगी, और अगर वो नहीं गए तो मेरे सपनों पे पानी फिर जाएगा, ठीक है, मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैं उनको एक बार तो फ़ोन और कर देती हूँ, ठीक है यार। तो ये सरप्राइज, सीधा पहले घर से जब निकले तो बताया नहीं कि भाई जा रहे हैं, और अभी सच में, क्योंकि मुझे इन पे भरोसा था नहीं, पर अभी जा रहे हैं रामलीला मैदान। मेरे साथ में दो मेरे बॉडीगार्ड भाई आए, क्योंकि मुझे मेले में अकेले में डर लगता है भाई, बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है ना। रावण का मुंह इधर करो, गोली मत करो, रावण उधर बहुत ज्यादा भीड़ है, झूला ही है। अरे यार बीच में बूढ़ी माई हो बाल आएगा ना कहो भाई, रावण देख बात है, इधर देखो सारी छोरियां छात पर टंग रही है भाई, निकले यार ओए, हां वो देख रहे हैं, लग रहा है कि छात वालों की टिकट लेनी चाहिए 10 रुपए। हां यार ये सही था यार, एक टिकट भाई साहब थोड़ा साइड से चलो, रावण को यार ये देखो रावण, इसका बदला होना चाहिए था यार। आओ जा बजा भाई साहब। तो महाराज भैया की ब्लॉग में लाइव पेश थी यार, वीडियो बनाओ बे।
जो था रावण का दहन देख लिया, पर हमारा कोई मतलब ऐसा सिस्टम हो गया कोई, मतलब दिक्कत ये है ना दुनिया को कि अगर साथ में चल रहे हैं तो ये नहीं सोच सकते कि भाई बहन है, उनके जो दिमाग में जो गंदगी है ना वो उनके बाहर आ जाती है। बहुत बुरा लगा मेरे को, पर वो जो बुरा मेरे को लगा वो सेम भैया को लगेगा जो भी भाई था। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, पर यार मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, ठीक है, कि वो जो अपन पुतला रावण का जला के आते हैं ना, मतलब नहीं है उस चीज में, जो मतलब रियल में जो रावण है ना सालों को उनको जलाना चाहिए, सच बात तो ये है, ठीक है। तो इंसिडेंट बताऊं कि क्या हुआ, आप भी सोचोगे कि हुआ क्या अचानक से। हुआ ये कि बबलू कहीं गए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने बोला आज कि मैं ये जो रावण दहन है मेरा देखा हुआ नहीं है, देखूंगी। तो उन्होंने बोला कि रविंदर हैं और मामराज भी हैं, उनके साथ में चले जाना, वो भी जाएंगे। मगर ठीक है, क्योंकि वो है ना जो जैसे सगे भाई होते हैं ना, वो रिश्ता हमारा, ठीक है, सगे बहन भाई जैसा, और हमेशा मानते हैं वो लोग। मेरे को आज तक है ना मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि यार कि भाई नहीं है, ठीक है। पर हुआ क्या कि कुछ अपवाद, ठीक है, हम जब रावण दहन के वक्त, रावण दहन हो गया उसके बाद में जब हम निकल रहे थे ना, तब कोई लड़का उसने बोला कि मतलब कुछ गलत बोला, तो हो सकता है वो अपने घर पे अपनी मतलब जो बहन है, माँ है, चाची ताई कोई भी हो, उनके लिए ये वर्ड यूज़ करता हो, आई डोंट नो, पर यहाँ नहीं, ठीक है, अपन बर्दाश्त नहीं करते भाई। मतलब सच बताऊँ तो मेरे को, मैं कहीं जाती हूँ कहीं की मेला है कहीं की, अरे मन को शांति आए, तसल्ली आए यार, माइंड फ्रेश हो जाए, पर ये ऐसे अपवाद ऐसी गंदगी है ना, ये कहीं जाओ, इनको मतलब नहीं है कि अपन किस काम से आए हैं, इनको ये मतलब है कि एक बंदा और एक बंदी खड़े हैं ना तो पक्का मतलब इनका गलत रिश्ता है, क्योंकि ये खुद गलत है इनका, आई डोंट नो क्या क्या बोलूँ, समझ गए होंगे आप, ठीक है, पर ये नहीं सोचते बिल्कुल कि हो सकता है बहन भाई हो, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये कीड़ा ये कचरा बाहर निकाल के फेंक दो, रावण को जलाने में कुछ नहीं रखा, समझ में आई बात। और फिर भाई साहब की एक इंसिडेंट बताऊँ, मेरे एक भाई ने मुझे एक बार पूछा था कि आपके कितने फेस है दीदी, मतलब ऐसे बोलता ना कि इस आदमी के दो चेहरे हैं, ठीक है, मैंने उस वक्त ये बोला था कि एक चेहरा, पर गलत, मेरे दो चेहरे हैं, जो मैं मेरे आज तक के ब्लॉग में आपने देखा है वो वैसा मैं बनना चाहती हूँ, पर मैं हूँ नहीं वैसी, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी हमेशा से कहती है कि तू अपने जो ये बाप दादा है ना इन पे गई है। मैंने जब बचपन से मैंने अपने घर वालों का ऐसे ही मार धाड़ करते देखा है, मेरा माइंड भी वैसा ही है, पर मैं वो चीज़ चाहती नहीं हूँ कभी भी, ठीक है, मैं शांति से जीना चाहता हूँ, सुकून से, पर लोगों को क्या है कि दिक्कत होती है, तो अपनी ये जो सोच है ना डालो अपने, समझ गए होगे ना, जेब में, ठीक है। और भाई साहब फिर मैंने वो जो मेरा दूसरा चेहरा था, मैं हंस रही थी खेल रही थी, मतलब व्लॉग में आप देखोगे कि मैं आराम से खुश हूँ, रावण दहन देख रही हूँ, मजे आ रहे हैं बस, ठीक है ना, व्यू आ रहा है अच्छा, पर दिमाग में तब है ना सनसनी आ गई मेरे, क्योंकि वो जो मैंने बात सुनी, मतलब डायरेक्ट मैंने नहीं सुनी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं थप्पड़ है ना हाथ में लेके घूमती हूँ, ठीक है, पर दिक्कत ये होगी मुझे बाद में पता चला। और भाई साहब मैंने उसको कॉल किया, उस बंदे को नंबर निकलवाया उसी वक्त कॉल करके, और भाई बहुत बुरा बोला मैंने, ठीक है, जितना हो सकता था ना उससे भी बुरा, अगले ने सुना पता है क्यों, क्योंकि उसकी गलती थी। और जब अगले को मतलब अगले की बात हुई रविंदर से, उसने बताया तो मैंने दिया कि भाई कौन क्या हूँ, ठीक है, अभी अगला बोल रहा कि गलती हो गई, पहले बोला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मगर ठीक है आ जा कोई दिक्कत नहीं है, अभी अगला बोल रहा है गलती हो गई, तो मतलब अभी तो तू ऐसे बोल रहा कि गलती हो गई, तू जान गया पहचान गया कि कौन है, हैं, अगर तेरे से कोई कमजोर होता तो, मतलब तेरी खुद की गलती ऊपर से तू एंट रहा है, कोई अपनी ये जो है ना मेरे मुंह से गलत कुछ निकल जाएगा, चलो छोड़ो ब्लॉग का यही एंड करते हैं, दिमाग का सत्यानाश हो चुका है। और लास्ट बात सुन के जाओ ना ब्लॉग एंड होने से पहले,
कि अगर अपनी नजरों में किसी की बहन बेटी के लिए इज्जत रखोगे ना, तो फिर अपनी बहन बेटियों को देखोगे तो मतलब फक्र होएगा उनको कि भाई अपने घर वाले से अगर मतलब समझ में नहीं आती यार कि दिमाग का क्या हो रखा है इन लोगों का। पर चलो जो भी है छोड़ो, बात यह है कि कोई सुन लेता होगा कोई कमेंट, सुन के ऐसे छोड़ देते होंगे चल जान दे, मैं नहीं जान देता भाई ठीक है। मुझे सच बताऊँ मुझे गालियाँ आती है बढ़िया बढ़िया तो मैं अगले को चुन चुन के देता हूँ, समझ में आई बात, आज अगले ने सुनी है और आगे भी अगर किसी ने ऐसा किया ना तो भाई साहब गालियों से तो वो अगला था नहीं ना सामने, फोन पे था तो गालियाँ मिल गई उसको, सामने होता तो बाय गॉड गलत बात है ना, तो जो गलत है वो गलत है ठीक है।